आज है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। गोमती नगर राहगीरों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी के साथ पूरी चौकी को कर दिया गया निलंबित। यूपी के कासगंज में मिड डे मील के भोजन को खाने से 26 छात्र हुए बीमार। स्कूल प्रशासन में मचा हड़कंप। सभी छात्रों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कावड़ियों ने भोले बाबा के बाद योगी बाबा के लगाए जयकारे। अधिकारियों ने यात्रा पर बरसाए फूल। कावड़िये बोले, सहारनपुर जैसी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं है। किंग खान की आंखों की रोशनी अचानक हुई गायब। मोतियाबिंद के इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे शाहरुख खान। सेहत को लेकर फैंस हुए परेशान। अभिषेक बच्चन से तलाक की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या राय ने कह दी बड़ी बात। बोली, अभी तक तो सब ठीक है, आगे का भगवान मालिक, शुक्रिया। जातिवार जनगणना बहस पर बोली मायावती, कहा कांग्रेस और भाजपा की नाटकीय तकरार ओबीसी समाज को छलने की कोशिश। जाति आधारित जनगणना जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्र सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत। डूंगरपुर केस में आजम खान को राहत। एमपीएमएलए कोर्ट ने किया बरी। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने में लूटपाट मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा हुआ था दर्ज। वायनाड में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से निपटने के लिए रेस्क्यू में जुटी सेना ने दिखाई जांबाजी। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए उफनती नदी पर बना रहे हैं लोहे का ब्रिज। बीजेपी के बजट में बी का मतलब विश्वासघात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। बोले, युवाओं के साथ किया गया है बड़ा धोखा। कुल्लू मंडी और शिमला में फटा बादल। 2 की मौत, 50 लोग लापता। तबाही का मंजर देखकर कांपने लगेंगे हाथ पांव। पहाड़ों पर बारिश से ऋषिकेश में गंगा फिर उफान पर। लोगों को अलर्ट कर रही है पुलिस। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से आया ऊपर। एक महिला से गलत बर्ताव पर शर्म नहीं आई राज्यसभा सदस्य। स्वाति मालीवाल पर मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। ड्रोन और मिसाइल हमले समाधान नहीं है। हमास चीफ और हिजबुल्ला कमांडर की मौत के बाद यूएनएससी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। राष्ट्रीय बैंकों में 5,351 प्रोबेशनरी और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू। बारिश में टपकने लगी नई संसद। अखिलेश यादव और कांग्रेस बोले पेपर से लेकर छत तक सब लीक। नानू मुस्लिम, दादी पारसी, अपनी जाति का पता नहीं और इनको सबकी जात पता करनी है। राहुल गांधी के खिलाफ कंगना का पोस्ट हुआ वायरल। लखनऊ में जोरदार बारिश से विधानसभा में घुसा पानी। सीएम योगी की गाड़ी को दूसरे गेट से निकाला गया। पूरा शहर हुआ जलमग्न। नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार से की जीएसटी हटाने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला को लिखा पत्र। बोले, जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर लगता है 18%। जीएसटी बिल्कुल गलत। सीएम योगी के लिए केशव मौर्य ने छोड़ी सीट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की सीएम से बात। उधर विधानसभा में बिजली समस्या को लेकर घिरी सरकार। लखनऊ में मुस्लिम युवक ने मंदिर की दीवार पर किया पेशाब। विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा। युवक पर लोहे की रॉड से किया वार। अचानक सेवाएं समाप्त होने से नाराज संविदा कर्मियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर का किया घेराव। कर्मचारियों ने की संविदा विस्तार करने की मांग। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को किया गया था तैनात। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद यूपी प्रशासन अलर्ट। कपूरथला में 5 कोचिंग लाइब्रेरी कराई गई सील। यूपी सरकार ने की कोचिंग सेंटर या बेसमेंट निर्माण के लिए गाइडलाइंस जारी। उत्तर प्रदेश में परीक्षा में धांधली करने वालों पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नकल माफियाओं के खिलाफ नया कानून यूपी विधानसभा में हुआ पास। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। नीतीश कुमार ने 12 जिलों में लिया कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने का फैसला। फल और सब्जी उत्पादकों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। केरल के वायनाड से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के वैशाली में भी देखा जा रहा है भूस्खलन का असर। मचा कोहराम, 1 की मौत, 2 लापता, बाल बाल बची 9 की जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणि महेश यात्रा पर जा रहे 14 श्रद्धालुओं का दल आया भूस्खलन की चपेट में। कई महिलाओं समेत 5 की मौत।
फिर सरहद के पार से आया प्यार, दो बच्चों के बाप को दिल दे बैठी पाकिस्तानी बहू, पहुंच गई राजस्थान के चूरू ब्यूटी पार्लर का करती थी काम, सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा नोटिस, तो चीफ सेक्रेटरी ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले शहर में नालों पर बढ़ता जा रहा है अतिक्रमण, पहले इसे हटवाएं फिर बात करें। दिल्ली में बनेगा कोचिंग हब, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर बसाए जाएंगे एक जगह, एलजी की तैयारी। नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ सकती हैं सीटें, प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिला लेटर ऑफ परमिशन। शेयर मार्केट में धुआंधार कारोबार, निफ्टी ने रचा इतिहास, पहली बार 25,000 के पार, सेंसेक्स भी 82,000 के पार पहुंचा। इससे अच्छी तो पुरानी पार्लियामेंट थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे, संसद की छत से टपकते पानी पर अखिलेश का तंज, कांग्रेस सांसद ने भी शेयर किया वीडियो। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर हुआ नुकसान, कांग्रेस बोली दिल्ली में लड़ेंगे अकेले चुनाव। एनल मस्क और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच फिर हुई बहस, मस्क बोले अगर मैं जीता तो आप देंगे इस्तीफा, और अगर आप जीते तो घुमाऊंगा मुफ्त में मंगल ग्रह। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी लेफ्टिनेंट साधना नायर, एयर मार्शल की निभा चुकी हैं अहम जिम्मेदारी। अब SC ST के रिजर्वेशन में बन सकेगी सब कैटेगरी कोटा के अंदर, कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को भी पलटा। STF ने असम के कामरूप जिले में विदेशी सिगरेट के 22,000 डिब्बे किए जब्त, एक व्यक्ति हिरासत में और 3 गिरफ्तार। दिल्ली NCR और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से सैलाब, येलो अलर्ट जारी, केरल के वायनाड में मरने वालों की संख्या पहुंची 200 के पार। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, दिल्ली में 1 अगस्त को बंद रहे सभी स्कूल। पिछले 5 वर्षों में सीवर साफ करते समय 377 लोगों की हुई मौत, BSF में 10,145 पद खाली, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिकों पत्रकारों के लिए रेल किराए में रियायत की मांग, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने की अपील। रोहिंग्याओं की घुसपैठ देश के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी, असम के CM शर्मा बोले स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, जल्द उठाने होंगे ठोस कदम। चेताते रहे विशेषज्ञ, हादसे की आशंका पर आंखें मूंदे बैठी रही केरल सरकार, ठंडे बस्ते में डाली रिपोर्ट, लोकसभा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का गंभीर आरोप। ED ने महाराष्ट्र से संचालित कंपनियों के ठिकानों पर की छापेमारी, नकदी जब्त, खातों में की गई है हेराफेरी। अब साथी के साथ मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग करेंगे छात्र, प्राइवेट संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यसभा में किया स्पष्ट। दिल्ली से भेजे गए बेली ब्रिज और विशेष खोजी कुत्ते दस्ते, वायनाड में युद्ध स्तर पर जुटी तीनों सेनाएं, मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। कहीं बाढ़ की नौबत तो कहीं सूखे की आशंका, बिहार में मानसून के मुंह मोड़ने से किसानों की बढ़ी बेचैनी, उत्तर प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ने की आशंका। LAC पर शांति बहाली के लिए सहमत हुए भारत और चीन, दोनों देशों ने की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ खत्म। 300 से अधिक बैंकों का पेमेंट सिस्टम रुका, रैंसमवेयर अटैक से प्रभावित हुई सेवाएं। संघ और सरकार के बीच कम हो रहे फासले, गृह मंत्रालय के कदम पर RSS नए प्रचारक भेजने को तैयार, सरकारी कर्मचारियों पर RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर हटाया गया प्रतिबंध। तख्तियां लहराई, पर्चे फाड़े और हंगामा किया, संसद में जाति पर घमासान, सरकार बोली दिन भर जाति जाति रटते हैं विपक्षी दल। केवल 4 देशों के पास है एडवांस अलर्ट सिस्टम, वायनाड भूस्खलन आपदा पर बोले अमित शाह, 1 हफ्ते पहले दी थी राज्य सरकार को चेतावनी। महिला पर अपमानजनक मजाक करना पड़ा भारी, यूट्यूबर अभिषेक रवि गिरफ्तार, बिरयानी मैन नाम से है चैनल। मैं अब और जीना नहीं चाहता, राज्यसभा में भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने खड़गे पर लगाया परिवारवाद का आरोप, तो भावुक होकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे।
अब हम कभी बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई 3 यूपीएससी छात्रों की मौत के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने मांगी माफी। राहुल गांधी के बारे में पप्पू वाली कहावत बिल्कुल सही। नंद किशोर गुर्जर ने किया इंदिरा और फिरोज का जिक्र, बोले अखिलेश बताएं उनकी जाति। 10 साल पहले भारत में योग सीखने आई थी अमेरिका महिला। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के एक जंगल में जंजीर से बंधी मिली, पुलिस ने दर्ज की FIR। योगी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू का भीषण एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराई पलटी मर्सिडीज कार, बेटा और बहू दोनों घायल। भयानक बारिश ने किया दिल्ली का बेड़ा गर्क, कहीं मकान गिरे कहीं घुटनों तक आया पानी, लोगों का जनजीवन पटरी से उतर गया। चुनावी झटके से मोदी सरकार ने नहीं लिया सबक, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बीजेपी RSS पर भड़की सोनिया गांधी। यूपी में नहीं होगा बिजली का संकट, पूरी सप्लाई के लिए निकाला गया फार्मूला, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21 घंटे और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्धारित किया गया शेड्यूल। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर किया अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। क्या होनी चाहिए जातीय जनगणना, इस मुद्दे पर आ गया मायावती का बड़ा बयान, कांग्रेस भाजपा के बीच हुई तकरार को बताया नाटकबाजी, OBC समाज को छलने की कोशिश करार दिया गया।